Hey so guys, welcome back to the channel. तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ RS की 5 या 4 मॉडिफिकेशंस जो आपको सिर्फ 700 से 800 रुपये में मिल जाएगी, जो आपको और कोई बाइक प्रोवाइड नहीं करती। मतलब ये RS लवर के लिए स्पेशल वीडियो है और इतने सस्ते में एक बाइक को मॉडिफाई करना है, एक ऐसा लुक देना जिससे आपकी बाइक भाई रोड पे सबसे अलग ही लगे। जहाँ पे आप लेके जाओ भाई सब पूछे कि भाई कौन सी बाइक है, कौन सी बाइक है। तो भाई मेरे साथ यही सीन होता है, मैं जहाँ पे भी लेके जाता हूँ ना इसकी मॉडिफिकेशन हल्की सी करा रखी, 700-800 रुपये लगा रखे हैं, लेकिन उसके बाद लोग पूछते कि भाई बना क्या रखी है बाइक को, कितना पैसा लगा इसके अंदर। तो आज की वीडियो में अपन ये बात करने वाले हैं, तो ज़्यादा वेट नहीं कराते, आपको मॉडिफिकेशन दिखाते हैं और उसकी बात करते हैं। तो भाई ये खड़ी अपनी सेक्सी सी प्यारी सी रानी, मतलब अपनी बाइक का नाम रानी और लोगों की चहेती भाई RS 200 पल्सर की। तो भाई सबसे पहले जो मैं आपको इसकी एक बार लुक दिखा देता हूँ, भाई देखो पूरी इसकी जो लुक है ना भाई, इस तरह अगर आप इस एंगल से देखोगे ना इसकी लुक भाई इतनी सेक्सी लगती है, इतनी कतई झड़ लगती है। और भाई पूरी ब्लैक करा रखी है अपने, तो भाई वैसे ही मस्त लगती है। तो देखो अभी इसके ऊपर काफ़ी सारी डस्ट है बट दिखती नहीं है, पास से देखने पर दिख जाएगी लेकिन आपको दूर से नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने सुबह ही पहले भाई कपड़ा लगाया था। लेकिन ब्लैक गाड़ी का यही है, जितनी मेनटेन करो भाई उतनी कम है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लुक्स दिखाता हूँ भाई फ्रंट की, जो लोगों को जिससे प्यार है। भाई देखो मैंने स्टार्ट की लेकिन ना ये ना एक ब्रेकर पे मतलब उछल गई थी, उसकी वजह से इसकी जो वायरिंग अंदर की वो ढीली हो गई। तो मैं यहाँ से इसको एक बार सेट करके आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये ठीक है। तो भाई ये लुक देखो अब इसकी, मतलब आगे से ऐसे लगता है कुछ मॉन्स्टर सा बीस्ट है। तो फर्स्ट पॉजिटिव मैं यही बता रहा था, मतलब पॉजिटिव इन द सेंस इसके लुक्स बताऊंगा मैं आज आपकी वीडियो में, कि लुक्स जो आपको और कोई बाइक प्रोवाइड नहीं करती। तो फ्रंट फेस जो इसका है भाई देखो, सेम फ्रंट फेस आपको RC के अंदर मिल जाएगा, लेकिन भाई RC और अगर इसका फ्रंट फेस आप कंपेयर करोगे तो भाई इसका ज़्यादा सेक्सी लगता है, इसका ज़्यादा मतलब बड़ा लगता है। और उसके बाद अगर आप इसमें एक रिंग लाइट लगा दोगे ना उसके बाद, तो भाई ये बाइक रोड पे चलते हुए ऐसी जहर आएगी। और मैं देखो दूर से दिखाऊँ इसको, जब ये दूर से चलती हुई आती है ना तब इसका जो फ्रंट सस्पेंशन है थोड़ा सा डाउन हो जाता है क्योंकि वेट पड़ता है आगे की तरफ, एंड रोड पर जब ये चलती है भाई ऐसे लगता है कोई शेर आ रहा है, पता नहीं क्या ही आ रहा, अलग सी चीज़ लगती है। तो फर्स्ट चीज़ हो गई इसकी। सेकंड चीज़ इसकी बैक लुक्स, भाई अगर आपको इसकी बैक लुक्स चाहिए ना भाई सेक्सी सी, तो देखो कई लोग क्या करते हैं ये हटवा देते हैं अपनी टेल टाइडी और उसके बाद जो है भाई इससे काफ़ी अच्छी इसकी प्यारी लुक आ जाती है और नीचे की तरफ छुट्टी वाली टेल टाइडी लगवा देते हैं। लेकिन अगर आपको इसकी बैक लुक चाहिए भाई, मुझे इसकी स्टॉक बैक लुक ज़्यादा पसंद है क्योंकि नाइट के टाइम पे जब भाई इसकी जो LED वर्क करती है ना सेक्सी सी लगती है कतई। इसको मेरे स्मोक कराने का मन है, तो आप कमेंट करके बता देना कि मैं इसको स्मोक कराऊँ या स्टॉक ही रहने दूँ। मतलब स्मोक इन द सेंस ये वाला जो अपन ने वाइजर पर लगवा रखा ब्लैक फिल्म, इसकी बात कर रहा हूँ मैं ये। तो भाई ये मैं करवाना चाहता हूँ, करवाऊँ या नहीं करवाऊँ, वैसे मेरे को स्टॉक प्यारी है, लेकिन काफ़ी लोगों ने बोला कि भाई थोड़ी सी मॉडिफाई करा लो पीछे से। तो मॉडिफाई इन द सेंस मैं ये हटवाने नहीं वाला, मैं देख रहा हूँ इसको ब्लैक करवा देता हूँ, करा के देख लेंगे अच्छी लगी तो रख लेंगे नहीं तो हटवा देंगे। दूसरी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना भाई, इसकी देखो साइड प्रोफाइल जो होती है ना भाई, यहाँ से ये देखो ये एंगल पे मैंने रखी गाड़ी को। अब जो इसकी जो ये वाली जो चीज़ आती है ना भाई, ये चीज़ जब गाड़ी आपकी चलती है और पीछे से जब ये वाली चीज़ दिखती है ना भाई, जैसे मैंने यहाँ पे इस पर ये लिखवा रखा ट्रू राइडर नेवर क्विट, तो आप कुछ भी लिखवा सकते हो, लेकिन इस एंगल पे जब ये गाड़ी चलती है ना भाई, जो पीछे से देखने वाला होता है ना भाई, काफ़ी प्यारा लुक लगता है इसका। तो ये चीज़ आप इसमें करवा सकते हो, ये कि इसकी सेक्सी सी लुक लगती है, मतलब यहाँ से जो शार्प जो फिनिश आती है ना भाई, ये RS के अलावा कोई सी भी गाड़ी आपको प्रोवाइड नहीं कर सकती इस सेगमेंट में। अब ये मत बोलना भाई RC की लुक अच्छी है, R15 की लुक अच्छी होगी, लेकिन इससे बेस्ट नहीं है उनकी। और उनकी लुक अच्छी पता है किस वजह से होती है, क्योंकि उनकी जो इनबिल्ट ये लाइट है ना, यहाँ पर अपन को देखने को मिल जाती है, इसमें अलग देखने को मिल जाती है, तो उससे लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो बाकी तीसरी चीज़ मैं बताऊं भाई, इसकी तीसरी चीज इसका स्पीडोमीटर, भाई लोगों को काफ़ी डिजिटल पसंद आता होगा, लेकिन मुझे है ना भाई इसका एनालॉग और डिजिटल दोनों पसंद है, क्योंकि एनालॉग के अंदर जब भाई इसका RPM जब ऊपर की तरफ चढ़ता है ना भाई, इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है। देखो मैं बताऊं, ये मैंने गाड़ी ऑफ की एंड ये जैसे मैंने उनकी भाई, जब इसको नाइट में ड्राइव करते हो ना आप, जब इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है भाई, इसकी लाइटिंग इतनी प्यारी लगती है जब ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, तो ये चीज़ मेरे को उसकी काफ़ी प्यारी लगती है कि भाई लोगों को डिजिटल पसंद होंगे, लेकिन अपन को एनालॉग प्लस डिजिटल दोनों काफ़ी प्यारे लगते हैं। और RS का स्पीडोमीटर से तो भाई मेरे को बहुत सेक्सी लगता है जब ये भाई इसका एनालॉग ऊपर चढ़ता है। और एक चीज़ बताऊँगा कि आपकी मॉडिफिकेशन के नाम पर भाई बिल्कुल पैसा नहीं खाने वाली, ये प्लस ये आपको 700 रुपये में मिल जाएगा, प्लस रिंग लाइट अगर आप लोगे ना तो भाई रिंग लाइट आपको 300 रुपये के 2 पीस मिल जाएगी, मतलब ये वाली और ये वाली, मैंने 2 ली थी, ये वाली भी लगवाई थी बट ये वाली जो है मैंने हटवा दी थी। तो आप सिंगल पीस लगवा सकते हो और दोनों मन हो तो भाई दोनों भी लगवा सकते हो, मैंने सिंगल पे ज़्यादा लुक मारती है, क्योंकि जब अपन गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो भाई ये वाला एक तरफ का जो बल्ब है ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है, तो इस वजह से मैंने सिंगल लगवा रखी, तो येलो प्लस ब्लू का कॉम्बिनेशन काफ़ी प्यारा बैठ जाता है, और प्लस है ना ब्लू यहाँ पे एंड ब्लू ही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, तो भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ हो जाती है मिक्सी, तो मैंने इसलिए ब्लू करवा रखी है। तो ये एक पॉइंट था कि भाई है ना इसकी लुक्स आप ऐसे मतलब कम बजट के अंदर है ना जो इसको एक मॉडिफाई गाड़ी करवा सकते हो बहुत प्यारी तरीके से।
चौथी चीज़ में फ्लैशर लगवा लो भाई, आरएस लवर्स के लिए बता रहा हूँ भाई, फ्लैशर लगवा लो, बहुत प्यारी लगती है। और हाँ, जो इसका नीचे वाला जो मैट पार्ट आता है ना भाई, इसको ब्लैक करवा लो, उसके बाद जो गाड़ी की लुक आएगी ना आपकी, वो कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। क्योंकि भाई वो जो वाला पार्ट होता है ना मैट वाला, वो काफ़ी गंदा लगता है और भद्दा लगता है। अभी तो मैंने इसके ऊपर पॉलिश नहीं की, इसलिए थोड़ी उखड़ी उखड़ी लग रही है भाई गाड़ी। बाकी जब इस पर मैं पॉलिश कर दूंगा ना, उसके बाद तो अलग ही शाइन मारती है गाड़ी। तो ये थे आरएस के कुछ मॉडिफिकेशन जो आप अपनी बाइक के अंदर करवा सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी, मॉडिफिकेशन अच्छे लगे हो भाई, 500 रुपये, 700, 1000 रुपये मान लो, इससे ज़्यादा की मॉडिफिकेशंस नहीं है। आपको पेंट का पैसा अलग देना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे पेंट करवा रखा, यहाँ पे पेंट करवा रखा, इसका पैसा आपको अलग देना पड़ेगा। और टोटल पेंट का खर्चा भी मिला के भाई 2-2.5 हज़ार रुपये में आपकी पूरी मॉडिफिकेशन तैयार हो जाएगी। तो यही है कि भाई आरएस की मॉडिफिकेशन ज़्यादा पैसा नहीं मांगती, 1000 रुपये में आपको सब कुछ मिल जाएगा पेंट नहीं कराते तो। तो वीडियो अच्छी लगी और मॉडिफिकेशन प्यारी लगी गाड़ी की, तो वीडियो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो भी आरएस लवर्स है, आरएस की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, आरएस लवर लिख दो भाई कमेंट के अंदर, आरएस के ऊपर वीडियोस आती रहेगी। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू गाइस।